Boom, boom, boom. There's nothing to hold. Except for me. There's Arya to hold. What is good, you lovely folks of YouTube? RC390 एक ऐसी बाइक है जो मेरे दिल से बहुत ही करीब है. पिछले 6 साल से मैं सोच रहा हूँ कि मैं बाइक लूंगा. 2016 में मैंने सोचा था कि मैं ये बाइक मुझे लेनी है, मेरी ड्रीम बाइक है. और आज फाइनली 11th November 2022 11/11/22 पे मैं ये बाइक फाइनली लेने वाला हूँ. इट्स अ 2018 बाइक. None of my friends, my girlfriend, my parents, none of them know कि मैंने ये बाइक ली है. So their reactions are going to be priceless. So, जरूर मतलब पूरा वीडियो देखना एंड तक. And I hope you enjoy this video. Thank you. I honestly cannot believe that right now I'm actually on my way to take delivery of my RC390. जब मैंने ये बाइक की डिलीवरी ली थी, it was roughly around this time only actually. Sunset के टाइम पे था. It was I think February 3rd, 2021 में. ये लाइन है सिग्नल काफी, ये लाइन है. कुछ समझ में नहीं आता इंडिया में. मैं माही में पला बड़ा, अभी तक मेरे को नहीं पता कि लोग को एक्चुअली किधर रुकना चाहिए. वैसे तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग का लाइन पीछे ही था. आई मा खड्डा यार, एक्साइटमेंट कंटेन नहीं हो रही है अभी. कल ही मैं उस पर लॉन्ग राइड पे निकल जाऊंगा, दमन जाके आऊंगा मैं. जब मैंने ये बाइक को लिया था उसी के नेक्स्ट डे मैं लोनावला गया था राइड पे. सो आई कैन नॉट कंटेन माई एक्साइटमेंट. पहुँच तो गए हैं, अभी देखते हैं बाइक रेडी है कि नहीं. रेडी है बाइक? हाँ, विजय भाई बैठे ना. कैसे हो भाई? बढ़िया. रेडी हो गई? रही. यहाँ पर ये जो एक्सपल्स खड़ी है, एक्चुअली पहले मेरा ये लेने का प्लान था. लेकिन फिर वो ये कि मैंने एक्सपल्स को ऑलरेडी पहले राइड किया हुआ है, तो उसमें इतना एक्साइटमेंट नहीं था ये लेने में. और प्लस इसमें कुछ ज़्यादा पावर नहीं है. और अपनी RC यहाँ पे रेडी हो रही है, बस फाइनल लास्ट मोमेंट सब चल रहा है. ओके, फर्स्ट स्टार्टअप कर रहा हूँ बाइक का. बाइक में अभी थोड़ी बहुत चीज़ें करनी बाकी है, बस फाइनल टचेज. और जस्ट वी आर जस्ट मेकिंग श्योर कि ये मैकेनिकली साउंड है, मैकेनिकली कोई भी प्रॉब्लम ना हो. तो वी जस्ट मेकिंग श्योर दैट, और उसके बाद डिलीवरी ले लेंगे. दिस इज अ 2018 मॉडल, दिस इज अ BS4 बाइक. बाइक हो चुकी है रेडी. ऐसे सिचुएशन में यार एक्साइटमेंट कंट्रोल में नहीं रहती है. ऑलराइट, सो बाइक रेडी हो चुकी है डिलीवरी के लिए. ये हमारे विजय भाई, इन्होंने बहुत हेल्प किया. हमारे अभिषेक भाई, और बस और क्या बोलूँ, अभी रेडी हो गई है, बस अभी से उठा के लेके जाना है. क्योंकि ये सरप्राइज था, ये बाइक की डिलीवरी लेने के लिए मेरे साथ कोई आया नहीं, ना ही कोई दोस्त, ना ही कोई रिश्तेदार, वैसा कुछ भी नहीं. मैं अकेला ही गया, अकेला ही बाइक लेके आया. और फिर क्या, फिर निकल पड़े. हेलो, हाँ माँ नीचे आ भी जाओ. $390 मैन. जब मैंने ये सपना देखा ना कि मैं ये बाइक लूँगा, तब मैं यार एक बच्चा था यार. मतलब मेरे ख्याल से मैं प्रॉब्ली 15-16 साल का था जब मैंने मोटो ब्लॉगिंग कंटेंट को फॉलो करना शुरू किया ऑनलाइन. और तभी ऑगी के पास ये बाइक थी, और बस तभी सोच लिया था कि कभी ना कभी तो लेनी है. तभी 16 था, अभी 22 साल का हुआ, अब जाके सपना पूरा हुआ है वो. बट हाँ, सपना पूरा तो हुआ है भाई. वाओ, क्या. हाँ राइट, मॉम अभी तक नीचे आई नहीं है. यहाँ पर खड़ी है हमारी आज़ादी. अब ये दोनों साथ में ही खड़े रह गए. ये मेरी सिटी बाइक है, इसको मैं बेचने नहीं वाला. मतलब ऑफिस जाने के लिए, जिम जाने के लिए, लोकल कामों के लिए ये बाइक ठीक है, क्योंकि एवरेज अच्छा है, रिलायबल है. ये बाइक रहेगी, फिर थोड़ा बहुत टूरिंग कर लूँगा इस पर, और लॉन्ग राइड, संडे राइड्स वगैरह. केवी देख, केवी लागे, केवी से ना बेसी जगह है. सीट छे, आजो सीट छे. तू बैस एक बार, चाबी चाबी लाओ, स्क्रैच पर्स है. तो आने आवे थे राइड करवानो. केवी लागी, तू खींच मेरी फोटो. फोटो खींच.
पग्नेशन है, आम ट्राई करो आप। आ बटन दबाओ। ये सब मॉम डैड के प्यार और सपोर्ट के बिना नहीं हो पाता। इन लोग का मेरे पूरे लाइफ में इन लोग की तरफ से सिर्फ एंडलेस सपोर्ट रहा है, सेल्फलेस सपोर्ट, कोई रीजन के बिना बस सपोर्ट ही मिला है। थैंक यू बेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड राइट हियर, देख लो इन्हें, यही है। गौरव आ गया क्या बात है भाई, आजा गले तो मेरे। मैं तो छुप गया रहूंगा। क्या बात है ब्रो, विद द गुड टायर्स एज वेल। या ब्रो, अपोलो H1 ब्रांड न्यू। क्या बात है ब्रो, अगेन कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। कितने साल से मैं ब्रो, योर ड्रीम इज, आई नो ब्रो। इधर आ, इधर आ, थोड़ा हेड हार्ट टू हार्ट बात करते। दिस गाय हैज बीन द क्लोजेस्ट फ्रेंड आई हैव हैड सिंस द लास्ट 6 to 7 years probably, and we've shared this love for bikes mutually. We've grown that love for bikes mutually, so we're very close when it comes to bikes, and we've always spoken about main ye luga, main wo luga. Yeah, bro. Last year se li Bajaj Dominar. Main RC390 ki 2015-16 se baat kar raha hu. Aaj ja ke le li. And more than anybody else, I feel like the mom dad to bahut happy rahega, but he'll also be extremely yes, happy bro. For me. Like, he knows how badly I deserve it. He knows how badly I wanted it. He was with me throughout. He's natural at it. He's a natural rider. Pure journey mein mere saath tha. Look at us now. Yeah, dude. तो अभी माई गर्लफ्रेंड विवेका, उसको नहीं पता है कि मैंने लिया है। चल गो सरप्राइज हर, शी लिव्स इन वालकेश्वर। सो वी विल जस्ट डू अ नाइट राइड राइट नाउ, लेट्स गो। और CT 100 में फुल एक्सी के बिना गाड़ी चलती नहीं है। और मुझे पता नहीं था कि इसमें एक्चुअली हाफ थ्रॉटल है। डोमिनार से जब हम कंपेयर कर रहे हैं, दिस इज अ लॉट मोर, दिस इज अ लॉट लेस, दिस इज अ हाफ थ्रॉटल, विच इज ग्रेट। आई ऑलवेज वॉन्टेड अ बाइक विद हाफ थ्रॉटल एंड अभी है। चल निकलते हैं। Now we'll just ride to South Mumbai and it's a ritual. जब भी हम रात को थोड़ा फ्री हो जाते हैं, हमारी बाइक से के जाते हैं। यूजली मैं मेरी CT 100 पर रहता हूँ, वो अपनी बजाज डोमिनार 400 पर रहता है, बट आज मैं मेरी KTM RC390 पे हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू। आई डोंट बिलीव इन गॉड, बट शुक्रिया यार जिसने भी मुझे ये सब दिलवाया, शुक्रिया। सीख लूँगा, सीख लूँगा। तेरे को पता है क्या सीखना है? कैसे नीचे नहीं गिरते हैं, बहुत गिरता बहुत है ये। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, दिस इज अबाउट टू बी द एब्सोल्यूट टाइम ऑफ आवर लाइव्स। फक, ओ गॉड, ओ गॉड, हे भगवान, थोड़ा ज्यादा था ये। आई लिटरली स्लिड बैक ऑन माय सीट। Which do you think pulls harder, this or that? That. Yeah? Oh yeah. Some asshole was trying to race me. He lost. I have a fucking 390, bitch. पहले ना यार मैं ऐसे बहुत सारे races हारा हूँ simply because मेरे पास एक 100cc की bike थी। Now I have God's power and God's grip in my hands, between my legs. God damn, this feels exotic to ride. Iska headlight bhi acche yaar. First stocks unit. Fuck. Dekho yaar, mera hai na point of reference is a CT 100. I have ridden a few super bikes here and there. I have ridden a few 390s here and there, but in general, mera point of reference is a freaking CT 100. And now I am on an RC 390. तो फिर मी द पावर इज वे टू मच, इट्स वेरी एक्सेलरेटिंग। अगर कोई सुपर बाइक ओनर रहेगा वो बोलेगा कि ये तो नल्ली बाइक है, लेकिन भाई मेरे लिए तो बहुत बड़ी बाइक है। एंड दैट्स ग्रेट, क्लाइंबिंग अप द लैडर्स ऑफ सोसाइटी एंड ऑफ मोटरसाइकिल्स। इट वुड हैव बीन सो बोरिंग इफ आई वाज बोर्न इन मनी एंड देन आई जस्ट हैड ऑल ऑफ दिस बाय डिफॉल्ट। कितना बोरिंग होता यार, हम साइकिल पे थे हाँ, फिर बोरोड बाइक्स पे थे, और फिर मैंने ली इंडिया की सबसे सस्ती बाइक, मेरी CT 100, मेरी आज़ादी। अच्छा हुआ कि उधर से लेके इधर तक आया, और अब हम डुकाटिस भी लेंगे भाई, टाइम सही आने दो। तो आई लाइक दैट आई एम मेकिंग द क्लाइंब।
यही सब रस्तों पे मेरा हमेशा से सपना था कि मैं मेरी एक अच्छी बाइक राइड करूँगा। Let's go now. Where? Yeah, let's go. भाई fuck, it's heating up. Already? Dude, my right leg is fucked. Let's go at this light. ड्रीम ऑफ एवरी बॉय, ऐसा रेड लाइट पे अपने दोस्तों के साथ जस्ट विथ योर फैंसी बाइक्स जस्ट बूम। इसका फैन चालू हो गया और अब एक्स्ट्रा हवा फेंक रही है, एक्स्ट्रा। बात नहीं कर सकता अभी, दिस इज टू इन्वॉल्विंग, टू एंगेजिंग, टू इंटेंस। ओ माय गॉड, आई वांटेड दिस सिंस सो लॉन्ग माय फ्रेंड्स। ओ इट्स हॉट, हाथ रख थोड़ा इधर, स्टीमिंग। मेरा पूरा पैर ऐसे पीछे से, नहीं कुछ नहीं है। So with my girlfriend, I've been telling her about this bike since the past 6 to 8 months. कि मैं ये लूँगा, ये bike ऐसी है, ये bike वैसी है, ये bike के ये pros है, ये cons है, this that this that. I was just blabbering on. I was basically doing a verbal diarrhea on her with the information of this bike, and she was polite enough to listen to me about all of it. And I know that she's gonna be really happy when she finds out I've bought this bike. So I can't wait to see her reaction. I can't wait to make her happy with this little toy. Oh, bhagwan khadde lagte is pe. I'll just call Viveka. I want to see her reaction. Fuck. Garam. Her answer. She never answers, dude. Like first time, and then she'll call back in like a minute, which is the most annoying thing in the world. Kar bhai kar. Ustad kaise? Bas ek number sarkar swagat. Aao sir, andar dalo seedha seedha. Bike kaisi lagi? एक नंबर नया लिया, अभी लिया। दो क्लोमिक्स पे कीमा। हाँ दो क्लोमिक्स पे कीमा, समझ जाता अपना बंदा। सो नाउ वी आर हेडेड टू माय गर्लफ्रेंड्स प्लेस, एंड या ऑल दैट्स लेफ्ट इज हर रिएक्शन। बाकी उसके बाद तो मतलब मेरी लाइफ में सब इम्पोर्टेंट लोग का रिएक्शन हो जाएगा। वो इधर से नीचे आएगी सेन्योरिटा और बाइक देखेगी, उधर से आएगी ऐसे। मैंने रियलाइज किया कि मेरा इतना फेस है ही नहीं वीडियो में, इसलिए सो जो एक डिफरेंट एंगल भी होना चाहिए। हेलो, ही इज माय स्पाइस। चल लेट्स वॉक। न्यू फोन, दिस इज व्हाई इट वाज सो इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कम डाउन। How is it? Looks so cool. Which one is it? It's a KTM RC390. Sit on it. Just don't scratch the tank like last time. Wow, it's big. That's what she said. So cool. When did you get it? I got it today evening. Wow. Cool stuff, huh? You saw Azadi? No, she's still here. She'll still be around. Yay! That's nice. But when the new Azadi comes, that Azadi will go. This is Atank. Atank? I've named her Atank. She rides like Atank. This is faster than any bike you've ever been on. Nice. How much was it for? 1.5. You'll have to sit over here. Oh no, I didn't fly. Sorry. You'll be flying, yeah, I know. You'll have to keep your hands on the tank. Oh. And your hands will be over here. Put your hands over here. Yeah, I'm probably not going to win. This is how it'll be. Boom, boom, boom. Oh no. There's nothing to hold. Except for me. There's Arya to hold. Oh, okay. I'm here to hold. Can I go for a ride? Yeah. Okay, Papa, let me wear my helmet. Look at this happy boy. Of course, bro. Come here. What do you think of it? Super cool. Suits you? Oh, but you look so tiny in front of him. Not really. I fit on it perfectly. What are you saying? See? You look tiny in front of my things. I don't look tiny in front of my own things. How are you feeling? How do you think I'm feeling? Do you know anything else that makes me happier than motorcycles?
besides whatever, but anything else, nothing. What excites me more than motorcycles? Nothing. This is it. This is my dream. Whatever work I do, it's for things like these. Chal, hop on. You seem to be enjoying it. Mm-hmm. I wish I had a camera set up over here. Then, yeah, that would be fun. Oh, when I break, I hit his weight on top. She's freaking out. I mean, she's loving it. In that sense, she's freaking out. Visor नीचे क्या मतलब game on है बाबा. Very intense bike, you know. On so many bikes, while you're riding them, you can forget that you're riding them. But ये इतनी involving है ना कि भूल नहीं सकते कि ये बाइक पैरों के बीच में है. And that's a good thing. I am someone that likes things that are intense, and this is a very intense bike. Oy, oy, oy. Sitting on it is not easy. It's like a whole workout. I know. Riding it is a workout. But that's what I like. It's very intense. Huh? I'll have to learn how to sit on it. There's a technique to sit on it. Once I learn that, my arms are starting to feel sore from here. That's good, you're getting a workout. But that's what I like. I like intense things. This is extremely intense. One of the most intense bikes you can buy. So suits me, I think. Let's see. I'm so happy for you. I know you are. It is a good photo. Aww. I mean, I look all right, but you know, the bike looks good. That's what matters. Thanks for the zoom in. So yeah, took a bunch of photos. You can see it all on my Instagram. If you guys are not following me already. Your face looks nice in this. ठीक है. That's me. That's my true nature. So yeah, Horima Circle पे बहुत सारे photos ले लिए. Now we're just on our way. We'll just drop her off now. Hop on. बहुत सारे ऐसे लोग रहते ना जो अपनी महंगी महंगी गाड़ी बाइक लेके उसको रख दे गए. दे वोंट इवन गो फॉर अ लॉन्ग राइड ऑन द सेम डे. मैं तो रात को 50-60 किलोमीटर पर अभी राइड कर लिया और मैं कल सुबह सुबह निकल जाऊंगा फॉर दमन, विच विल अप्रॉक्सीमेटली बी अ 500 किलोमीटर राइड. मेरा ऐसे ही मानना यार कि घर में ऐसा कोई व्हीकल आया तो जस्ट यूज इट, स्टार्ट यूजिंग इट एज क्विकली एज अर्ली ऑन एज यू कैन. बहुत लोग ऐसे रहते हैं जो सुपर बाइक लेके भी सीधा घर पर रख देते हैं यार रात भर. मैं कहता हूँ रात भर चलाऊ उसे. Popo stopping people. Vivek, I just said that not falling off is a task. Oh, look at how she's holding on with her nails. I think her nails are fake. Are your nails fake? No, they're real. They're real? Okay. Then it's gonna be more painful if you break them. Did I just become an RC390 owner? सपने सच होते हैं. कोई कभी ऐसा कहे ना कि सपने सच नहीं होते, झूठा है वो एक नंबर का. सपने सच होते हैं.